हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले रिस्क मैट्रिक्स के बारे में। रिस्क मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है और इसे कब और कैसे यूज़ करा जाता है, बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्हें की प्रॉब्लम आती है इसे यूज़ करने में। तो आज हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को क्लैरिफाई करने वाले। सो आई होप वीडियो विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिस्क मैट्रिक्स मतलब होता क्या है। सो बिफोर गोइंग टू दैट, हम लोग को रिस्क असेसमेंट के जो स्टेप्स हैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिस्क असेसमेंट के बेसिकली 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट होता है आपका आइडेंटिफाई द हैजर्ड। सेकंड है आपका जनरली जो लोग वहाँ से अफेक्ट होने वाले हैं, आप आइडेंटिफाई द पीपल हु आर गोइंग टू अफेक्ट बाय दैट पर्टिकुलर हैजर्ड। थर्ड आपका होता है एवेल्युएट द रिस्क, जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है आपका इंप्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स, जहाँ पे आपकी हायरार्की ऑफ कंट्रोल यूज़ होती है। फिफ्थ है आपका रिव्यू द रिस्क असेसमेंट, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्टिवनेस है रिस्क असेसमेंट का वो बना रहे कंटिन्यूस बेसिस पे। सो जो थर्ड आपका स्टेप है इवेल्युएट द रिस्क, उसमें आपको एक नीड पड़ती है रिस्क मैट्रिक्स को यूज़ करने की, ठीक है। तो रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है अब देखते हैं हम। रिस्क मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट इज़ यूज ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट टू डिफाइन द लेवल ऑफ रिस्क बाय कंसिडरिंग द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ कॉन्सिक्वेंस सिवियरिटी। अब देखिए, रिस्क को डिफाइन करने के लिए रिस्क है कितना, एक्चुअली ज़्यादा है, कम है या मीडियम है, या किस टाइप का रिस्क है, मतलब कितना है, उसका लेवल डिसाइड करने के लिए, थोड़ा बहुत क्वांटिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है, क्वांटिफाई या क्वालिटेटिव प्रेजेंट में फॉर्म करने के लिए हम रिस्क मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें जनरली आपके जो हैं दो फैक्टर्स, जो कि है प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सीडेंट, ठीक है, और सीवियरिटी, लेवल ऑफ इंजरी, और यू कैन से लेवल ऑफ आउटकम विच विल कम व्हेन अ पर्सन विल इंटरेक्ट विद अ हैजर्ड। ओके, ये दो पर्टिकुलर फैक्टर्स को इसमें कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि रिस्क हमारा कितना है, और उस पर्टिकुलर रिस्क को अगर वो ज़्यादा है तो उसे हमें कम करना है एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, एलआर का जो प्रिंसिपल है। अब एलआर का प्रिंसिपल अगर आपको पता नहीं है देन नो इशू, यू कैन राइट दैम इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट रिगार्डिंग एलआर प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलआर का प्रिंसिपल। सो उसे कम से कम हमें करना पड़ता है बाय यूजिंग मिनिमम टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका, दिस इज अ सिंपल मैकेनिक्स टू इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड असेसमेंट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। बहुत राइट पॉइंट है एकदम, जो आपका रिस्क है उसको ज़्यादा विजिबल करने के लिए, क्योंकि हम शो कर सकते हैं उसके बाद हमने ये मैट्रिक्स को यूज़ करा, ठीक है, और हमारे पे ये रिस्क निकल के आया, ताकि हम अपने अपर मैनेजमेंट है उन्हें भी शो कर सकें, एंड देन जो भी सेफ्टी बजट है उसे इशू करा के अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे दो फैक्टर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ इंजरी, सीवियरिटी, लेवल ऑफ इंजरी। तो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी मींस मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक कारपेट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कारपेट है जो कि प्लेस्ड है, फटा हुआ कारपेट एक प्लेस्ड है बहुत एक ऐसे वॉकवे पे जहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, या फिर ऐसा कर दीजिए आप मॉर्निंग टाइम पे, जब मॉर्निंग या फिर लंच टाइम में जब वहाँ से लोग ज़्यादा पास होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है कि बंदे वहाँ पे ट्रिप होके गिरेंगे उससे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर यही सेम कारपेट आप नाइट टाइम को प्लेस कर दें, ठीक है, नाइट टाइम को जब शिफ्ट ख़त्म हो जाती है लोगों की, वहाँ पे कोई काम नहीं करता है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है ताकि लोग गिरे उस पर ट्रिप होके। तो ये जनरल एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो जनरली प्रोबेबिलिटी हमने क्या है कि 5 टाइप में बांट रखी है, ठीक है, इम्प्रोबेबल, रिमोट, ओकेजनल, प्रोबेबल एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इनका मीनिंग भी नीचे लिखा हुआ है। हम डाउन से स्टार्ट करते हैं, इम्प्रोबेबल मीन्स क्या होता है, सो अनलाइकली, इट कैन बी अज्यूम्ड, ऑकरेंस मे नॉट बी एक्सपीरियंस, उसको बस अज्यूम करा जा सकता है, उसकी जो प्रैक्टिकल होना उसको बहुत ही मीन्स मुश्किल है आप कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका इम्प्रोबेबल। रिमोट का मतलब होता है अनलाइकली बट पॉसिबल टू ऑकर इन द लाइफ ऑफ एन आइटम, वैसे मुश्किल है होना लेकिन एक बार हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर आइटम की लाइफ साइकिल में, ठीक है। थर्ड है आपका ओकेशनल, लाइकली टू ऑकर सम टाइम इन देयर लाइफ टाइम्स, कभी कभार हो सकता है, ठीक है। फोर्थ है विल अकर सेवरल टाइम्स इन द लाइफ ऑफ एन आइटम, आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एक ह्यूमन बॉडी है उसे बुखार और टाइम आ सकता है, बुखार तो कॉमन ही है ना ह्यूमन बॉडी में, तो प्रोबेबल। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट, लाइकली टू अकर ऑफ्टन इन द लाइफ ऑफ एन आइटम, आप इसे आप ह्यूमन बॉडी से अगेन इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे पेन, आपके नॉर्मल मसल पेन हो गए वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं क्योंकि हमें बॉडी का मूवमेंट करना रहता है डेली बेसिस पे, तो जो ये पेन है बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट है ह्यूमन बॉडी में। तो ये कुछ एग्जांपल है प्रोबेबिलिटी के। आगे जाके हम इन्हें यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स में, आपको बताऊँगा 3x3 की मैट्रिक्स में कैसे यूज़ करा जाता है, 5x5 में कैसे करा जाता है। सो विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। आगे है सीवियरिटी, सीवियरिटी मीन्स
लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है, लेवल ऑफ इंजरी आफ्टर इंटरेक्टिंग विद द हैज. सो फॉर एग्जांपल मैंने इसे चार टाइप में कैटेगराइज करा है. कैटास्ट्रॉफिक, जहाँ पे मल्टीपल डेथ्स होती हैं, लाइक एग्जांपल कभी आपके जो भी प्रोसेस प्लांट है वहाँ पे से गैस रिलीज हो गई या फिर कोई एक्सप्लोजन हुआ तो वहाँ पे मल्टीपल डेथ्स हमें देखने को मिल सकती हैं. क्रिटिकल, वन डेथ और मल्टीपल सिवियर इंजरीज, तो ये भी ठीक है. स्कैफोल्डिंग, अगर आपका क्या बोलते हैं एक आप कह सकते हैं स्मॉल स्कैफोल्ड ब्रेक हो जाता है तो अगर वो कोलैप्स हो जाता है वहाँ पे आपको एक या दो डेथ देखने को मिल सकती है मार्जिनल. वन सीवियर इंजरी और मल्टीपल माइनर इंजरीज, यू कैन टेल इट्स अ बाइक एक्सीडेंट और अ बाइक एक्सीडेंट यू कैन टेल स्मॉल माइनर बाइक एक्सीडेंट नेग्लिजिबल, और है वन माइनर इंजरी यू कैन से दैट इट्स अ फर्स्ट एड इंजरी. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आपको इमेज में मैट्रिक्स दिख रही है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं. तो देखिए इसमें जो आपका वाई एक्सेस है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी दिख रही है, ठीक है, जो वर्टिकल एक्सेस है उसमें आपको प्रोबेबिलिटी दिख रही है. ऑन द अदर हैंड इम्पैक्ट जो आपको दिख रहा है, जो आपका एक्स एक्सेस है वो आपका सीवियरिटी है, ठीक है. तो देखिए इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज़ करने का नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सेफ्टी प्रोफेशनल टू सेफ्टी प्रोफेशनल वेरी करता है, ठीक है. डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस है, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा या फिर जितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी रिस्क के कॉन्सेप्ट्स में उतना बेटर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ, अब मान लीजिए एक नॉर्मल फ्लोर है जहाँ पे ऑयल स्पिल है, ठीक है. अब वो एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पे लोग कम आवाजाही करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा आवाजाही नहीं होती, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, लो है, ठीक है. और सीवियरिटी अगर वहाँ पे से कोई गिर जाता है तो उसकी आप मीडियम मान लेते हैं, तो आप जो प्रोबेबिलिटी लो है और मीडियम है उसे मल्टीप्लाई कर ले. अभी देखिए जो यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा आपका क्वालिटेटिव, ठीक है. क्वालिटेटिव यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा मींस क्वांटिटी, यहाँ पे नंबर्स कुछ नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिटेटिव लो होगा, मीडियम होगा या हाई होगा. ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे 1, 2, 3 लिख देता हूँ, लो में 1, मीडियम में 2 एंड हाई में 3, तो ये उस हिसाब से हम मतलब उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. तो ये 3/3 है, तो अगर आप लो में 1 मान लेते हैं, मीडियम में 2 मान लेते हैं, तो 2 यहाँ पे रिस्क निकल जाता है जो कि आपका मीडियम रिस्क, ठीक है. तो ये था वन एग्जांपल 3/3 मैट्रिक्स का. आगे हम देखते हैं 5/5 मैट्रिक्स. तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर्स लाइकली मेंशन है और बहुत इनडेप्थ में थोड़ा दे रखा है. जो मैंने आपको 5-5 पॉइंट्स बताए थे वही सेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. तो आप इस हिसाब से देखिए कि मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी एक्सीडेंट के चांस होने के मतलब कितने चांसेस हैं. अगर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कंडीशन बेकार है, तो वहाँ पे चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन अदर कंडीशंस में, ठीक है. और उसके बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट आने वाला है, आप एक ख़राब स्कैफोल्ड पे काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक या आप कर सकते हैं एक ही बे है, तो उसमें कॉन्सिक्वेंस कम निकलेगा. ऑन द अदर हैंड अगर एक स्कैफोल्ड बहुत ही ज़्यादा ऊँची है तो वहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा निकलेगा. तो इस हिसाब से डिपेंड अपॉन द कॉन्सिक्वेंस हाइट, तो एक स्कैफोल्ड का अगर एग्जांपल है तो वहाँ हाइट पे डिपेंड करेगा कि कॉन्सिक्वेंस कितना निकलेगा. ऑन द अदर हैंड प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगा कि उसका स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उनकी कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है ना. और बाकी या फिर जो फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम्स या प्रिवेंशन सिस्टम्स आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, उनकी कंडीशन क्या है. तो ये बेसिकली 5/5 मैट्रिक्स है. जैसा आपने 3/3 में देखा था सेम एग्जांपल आप यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा इनडेप्थ में जाके. लाइक एग्जांपल हमने वहाँ पे सिंपली मान लिया था कि वहाँ पे जो पानी है, ठीक है, वो लो में आ गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है, लोग कम है, तो यहाँ पे हम उसे मॉडरेट में रख सकते हैं, ठीक है ना. आप थर्ड में उसे रख सकते हैं, पॉसिबल है. मान लीजिए कोई नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड आया तो वो भी स्लिप हो सकता है वहाँ से बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, और नींद में भी हो सकता है वो, ठीक है. तो यहाँ पे आप 3 मान लीजिए, और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं होगा ये आप इसे मान लीजिए मॉडरेट, ये भी 3/3 या 9, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो ऑलमोस्ट ज़्यादा आ रही है मींस जो आपका रिस्क निकल रहा है वो ज़्यादा निकल रहा है, तो आपको उसको कम करना पड़ेगा. अब रिस्क आप कैसे भी कम कर सकते हैं, बाय यूजिंग एनी कंट्रोल मेजर्स. ऑलरेडी मैंने जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, आप उसे वॉच कर सकते हैं तो आपको कुछ आइडिया उसमें से मिल जाएगा आप कैसे रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं. अगेन ये 5/5 का मैट्रिक्स है, इसमें आपको थोड़ा इनडेप्थ में बता रखा है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट कब निकलेगा, मेजर कब निकलेगा, मॉडरेट कब निकलेगा, तो ये सेम है. तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं. अगर आपको कोई रिकमेंडेशन एंड डाउट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट. ओके, अगर आपके कोई सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज. गॉड ब्लेस यू ऑल.